आखिर रुद्रप्रयाग नगर पालिका द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा सप्ताह में 2 दिन सब्जी मंडी लगाकर बेचने पर क्यों आपत्ति आई, देखिए पूरा मामला। जो भी कार्यवाही होगी हम करेंगे, अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हमसे बात करें, और अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो ये हमें बताएं। ये नहीं कि हम अपना वो कर रहे हैं तो ये लोग हमें रोकने के लिए आ रहे हैं। अगर हटाना है इनको तो सबको हटाओ, मार्केट में जितने भी बाहर के बैठे हैं, चाहे कोई भी है, रोड में ठेलियां लगा के बैठे हैं, उनको भी हटाओ, और यहाँ से जो दिक्कत हो रही है तो ये हमें बता दे। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि सब महिलाएं हो, चाहे यहाँ गढ़वाल के जितने भी लोग हैं, सब आगे आए। ये नहीं कि बाहर वाले कभी आपके पूरी जमीन पे कब्जा कर जाएं, पूरे रोजगार बंद कर जाएं, और तब आप लोग कोने में रोएं। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े और अपने बच्चों का भविष्य सुधारे, क्योंकि जैसा हो रहा है बाहर के लोग बहुत कब्जा कर चुके हैं, तो लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे गढ़वालियों को कुछ भी नहीं बचेगा। जमीन उन्होंने बेच दी है, रोजगार उनके लोग वो कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और प्लीज हमारा साथ दें। और मेरी प्रशासन से भी यही निवेदन है कि अगर हमने महिलाओं ने कुछ गलत किया है तो हमें बताएं, और अगर कुछ परेशानी हो रही है यह भी बता दें, हम उन परेशानियों का निवारण करेंगे। लेकिन ये कोई निशान नहीं है कि आप यहाँ पे पुलिस लेके आते हैं और बोलते हैं कि हटाओ। अभी मैं यही कहना चाहूंगी, मैं प्रशासन से यही प्रशासन वो करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप लोग कृपया हमारा साथ दें और महिलाओं को खाली ये मत बोले कि महिलाएं आगे बढ़े, हकीकत में महिलाओं को आगे बढ़ाएं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। निवेदन है कि हमारा साथ दें। नगर पालिका द्वारा हमें यहाँ पे हटाया जा रहा है, हम अपने सब्जी मंडी का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की लोकल लड़की हूँ, मैंने अध्यक्ष गीता झिम्पान को वोट दिया है और आज अध्यक्ष जी द्वारा ही हमें हटाया जा रहा है। जिस काम के लिए करना है वो काम तो करना नहीं है। जो रुद्रप्रयाग मोनीपाल भंडार से लेकर मकड़ी बाजार तक शौचालय मुक्त रुद्रप्रयाग बना रखा है मैडम जी, आपको उस पर ध्यान दीजिए। और इन अगर हम गढ़वाली लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको कृपया उसमें रोक ना करें। अगर आपको किसी भी कारणवश मेरे को एप्लीकेशन दे देना, किस कारणवश आपको यहाँ पे हमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारी अपनी भूमि है, हम अपनी भूमि पे कर सकते हैं। लेकिन नगर पालिका में हमने आपको वोट दिया है, आपको चुना है, तो इसीलिए चुना है कि हम कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो काम करना है उस काम पे ध्यान दीजिए। इस नगर पालिका को जरा भ्रष्ट करने से वो कर दीजिए और लोगों को सताना बंद कर दीजिए। जितना सताओगे अपने लिए घातक कर रहे हो। और अधिशासी अभियंता द्वारा यहाँ पे बदतमीजी से बात करने के लिए मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा आके यहाँ पे बदतमीजी, एक अधिकारी हो, अधिकारी के तौर पे बात कीजिए, बदतमीजी ना दिखाएं। बदतमीजी करनी हमें भी आती है, लेकिन आप एक अधिकारी हो तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी सोचिए कि आप किस पद पे हो और किस तरीके से बात करनी चाहिए। आप प्लीज बात करने का तरीका अपना, और नगर पालिका अध्यक्ष अगर बात करनी थी तो यहाँ पे आके बात कर सकती थी वो। मैंने उन्हें वोट दिया है, मेरी फैमिली ने, मेरे गाँव ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे वार्ड ने, सब ने उनको वोट दे के आज उस पद पे पहुंचाया, और उस पद के लिए उस पद की गरिमा समझे। और हम यहाँ पे लोकल लोगों का ऐसा तो नहीं है लूट रहे हैं, सस्ती सब्जी दे रहे हैं, तो उनका भलाई कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, किसी बंदे का 2 पैसा बच रहा है तो उसमें आपको त्रुटि आ रही है। और जो पूरे रुद्रप्रयाग में फल लगे हुए, एक भी हमारे गढ़वाली बंदे का फल नहीं है, सारे बाहर वालों के फल लगे हुए, उनमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हर कदम पे फल लगे हुए, उनमें ऑब्जेक्शन नहीं करो और गढ़वालियों को आगे बढ़ने से रोको। मेरी आपसे अपील यही है कि आप जो काम करना है वो कीजिए, इस काम पे मत। हमारी मेरी दुकान मार्केट में भी है, मेरा एक पार्लर मार्केट में है, मैं 2 दिन यहाँ पे बैठती हूँ, 4 दिन वहाँ पे बैठती हूँ, कहीं महिलाएं परेशान होके आ रही है तो उनको वो बोलती है हमें टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना कहाँ से है? नगर पालिका ने टॉयलेट यहाँ रुद्रप्रयाग शौचालय मुक्त किया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए मैडम, किसी की रोजी रोटी मत छीनिए। धन्यवाद। एप्लीकेशन में अपना वोट जो अभी देंगे ना, ठीक है, उसमें अपनी रिपोर्ट दे देंगे, और उसकी नकल ले लेना ना तुम, अपनी हाँ हमको लिखी दे देना, जो अपनी रिपोर्ट देंगे उसकी नकल लेके तब जो है आगे कार्रवाई, वोट भी दे रखे ना। क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करूंगा पार्टी सफरनामा चौधरी जी का। अभी क्या हुआ कि एक महीने से हम लोग यहाँ पे मंडी चला रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब लोग खुश हैं, लोकल जितने भी हैं हमारे बंदे सब खुश हैं, जनता खुश है। लेकिन नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे अभी नगर पालिका की टीम आई,
नगर पालिका की टीम बोलती है कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं तो वो मना कर रहे हैं, बोल के यहाँ पे पुलिस लेके आए थे अभी कि यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे नहीं लगाना है। तो हम लोग मतलब यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, बाहर के इतने बसे हुए हैं मार्केट में, उनको कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन हम लोग कुछ करें आगे आए तो हमारे लिए रोक है। तो ये सब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने लोगों से कि आगे आए और इसका समर्थन करें, और नगर पालिका से हमें अपील रहेगी कि कृपया आप लिखित में दे दें कि हमें यहाँ पे मंडी लगानी है कि नहीं लगानी है, आप हमें जो भी है लिखित में दीजिए, उसके बाद हम डीएम सर के पास जाएंगे, जो भी होगा वो आगे की कार्रवाई होगी और आगे की मंडी यहाँ पे हमारी चलती रहेगी। शुक्रवार और सोमवार को मंडी दो दिन हफ्ते में चलती रहेगी। धन्यवाद। ये जैसे यात्रा को देखते हुए डीएम साहब ने मीटिंग ली है ना कि कहीं पे भी जो है अतिक्रमण हमारा रोड पे या कहीं पे पाया जाता है तो उसका अभियान हम चला रहे हैं और इसका अभियान लगातार चलता रहेगा। काफी दिनों से यहाँ पे मंडी लग रही है जी, इसको लेके नगर पालिका को इसकी सूचना भी दी गई है, बताया जा रहा है। वो मैंने नगर पालिका आपको बता दिया है कि अगर जो है किन्हीं कारणों से ये जो है नहीं किया जा सकता तो उसमें अपने कारण स्पष्ट करते हुए उस एप्लीकेशन का उत्तर दे दें।